हेलो एवरीवन, आज हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने वाले हैं मोशन का, पेज नंबर 102। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है। ओके, देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है। स्पीड वेलोसिटी, ओके, स्पीड बराबर क्या होता है? सबसे पहले पहला पॉइंट, स्पीड बराबर होता क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है ना, ये पहला कि इसको फॉर्मूला वाइज हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होगा ना। इसमें डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, इसमें डिस्टेंस लेते हैं, ये फॉर्मूला वेस्ट हो गया। यूनिट वाइज कर दो, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस को हम लोग क्या चीज में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को क्या चीज में मेजर करते हैं, सेकेंड में। ओके, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। और इसका भी यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट। इसका भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या चीज में, कौन सा यूनिट में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को मीटर में, तो मीटर पर सेकेंड हो गया। ओके, थर्ड पॉइंट में क्या है, इसको समझते हैं कि क्या होगा, स्पीड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होगा। ओके, लेकिन स्पीड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। डिस्टेंस क्या पॉजिटिव हो, स्पीड क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्टेंस क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव कभी डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए क्या क्या होगा, स्पीड भी पॉजिटिव होगा या क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट में क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, समझते हैं कि कैसे होगा, थोड़ा इसको फील ले लेते हैं पॉजिटिव कैसे होगा। ओके, जैसे मान लो कि कोई आदमी यहाँ से स्टार्ट किया चलना, ठीक है, मान लो उस समय टाइम 0 सेकेंड था, आफ्टर 5 सेकेंड के बाद, ठीक है, मान लो 5 मिनट के बाद, ठीक है, वो चला जाता है 100 मीटर, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन कितना हो गया, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 100 बाई टाइम, टाइम कितना 5, तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो गया उसका, ठीक है। लेकिन जीरो कब होगा, जैसे कोई आदमी यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, और चलते चलते ए से स्टार्ट किया है, और फिर घूमते 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 फिर इस पोजिशन पर चला आया, ठीक है, तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो गया है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है, जीरो। टाइम मान लो कि टाइम 20 मिनट लिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ वेलोसिटी लिख लेना, वेलोसिटी और यहाँ पे स्पीड दोनों सेम होगा। ओके, यहाँ वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा 100 मीटर में, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी बराबर कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, टाइम जितना भी लगे, ठीक है, 20 मिनट तो जीरो ही हो गया। लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी कब होगा, ठीक है, नेगेटिव वेलोसिटी कब होगा, जैसे इसको हम ग्राफ से समझते हैं, नेगेटिव, ओके, ठीक है, ये क्या है, टाइम एक्सिस, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। y एक्सिस में आप क्या दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट, ये x एक्सिस है। ओके, मान लो कि t बराबर 0 सेकेंड पे वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, कोई y का स्टार्ट किया तुरंत t बराबर 0 सेकेंड पे, और वो डिस्प्लेसमेंट वो उसका हो गया 5 मीटर, ठीक है, नहीं तो मान लो 10 मीटर वो चला गया, ठीक है, और उसका इस तरह से आफ्टर दैट क्या है, टाइम बढ़ रहा है। अब 5 सेकेंड के बाद उसका मान लो कि टाइम 5 सेकेंड के बाद, यहाँ पे 5 सेकेंड के बाद वो यहाँ पहुँच गया। ओके, तो इसका डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो ना, 10 मीटर था,
लेकिन आफ्टर 5 सेकंड के बाद क्या हुआ, कहीं जाके टक्कर मार दिया भाई, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम गया और पहुंच गया 5 मीटर पर। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, तो इनिशियल पॉइंट कितना है 10 माइनस, ठीक है, फाइनल पॉइंट कितना है 5, ओके। उस समय टाइम कितना लगा था, टी बराबर 0 से टी बराबर -5 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया -5 बाई -5 कितना हो जाएगा -1, ये माइनस ऊपर जाएगा कितना -1 मीटर पर सेकेंड, मतलब -1 मीटर पर सेकेंड से उसका वेलोसिटी क्या था, धीरे 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 क्या हो रहा था, गिर रहा था, मतलब उसका स्पीड क्या होता है, धीरे धीरे कम रहा था। अब इधर की इधर डायरेक्शन इसका किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी हो रहा है, ये चीज़ को समझना है, ठीक है। तो नेगेटिव क्या हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं हम लोग, अरे अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जाएगा, सोचो एक बार कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये देख लो, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होगा ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अच्छा दोनों कौन सा केस में पॉसिबल है कि दोनों का सेम हो जाए, जब टोटल डिस्टेंस बराबर टोटल टाइम आ जाए, सॉरी टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम रह जाएगा दोनों का केस में, तो क्या होगा, उस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो जाएगा। तो यही केस है कि यही केस होगा, और ये केस कब पॉसिबल है, ये केस कब पॉसिबल है, जब बॉडी क्या हो स्ट्रेट लाइन मोशन में चले, जैसे मान लो कि इसी में टाइम टी बराबर 0 से टाइम टी बराबर 5 मिनट में 5 मिनट के बाद वो 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 100 मीटर, और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ 100 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है सेम, तो यहाँ पे क्या होगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा इस केस में जब क्या स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ दूसरा का आंसर। तीसरा आंसर क्या है, को ओडोमीटर को हम लोग क्या चीज़ में ऑटोमोबाइल को मेजर करता है, कहता है व्हाट इज ओडोमीटर ऑफ द ऑटोमोबाइल मेजर, क्या ये डिस्टेंस को मेजर करता है, कितना डिस्टेंस चला है आपका गाड़ी उसको मेजर करेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि व्हाट डज द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन, जब यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो उसका पाथ कैसा दिखेगा, यूनिफॉर्म मोशन जब भी चलेगा पाथ तो उसका जो पाथ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन दिखने वाला है, जैसे हम समझाना चाहते हैं यूनिफॉर्म मोशन के मतलब क्या समझता है, यूनिफॉर्म मोशन के मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में, ओके। जैसे इधर डिस्टेंस समझ लो आई टाइम है, ठीक है, क्या बोल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड ना यूनिफॉर्म मोशन में, चलो कोई बात नहीं, डिस्टेंस है टाइम है, मान लो टाइम बराबर 0 सेकंड था, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट किया और इस तरह से स्ट्रेट लाइन में चलते रहेगा, मतलब 5 सेकंड के बाद मान लो इसका डिस्टेंस जो ये कवर किया वो कितना किया 10 मीटर, कितना कवर किया 10 मीटर, और फिर नेक्स्ट मतलब यहाँ 10 सेकंड पे जब पहुँचा, कितना 10 सेकंड पे, ओके, देखते रहना क्या बताना चाह रहे हैं, 10 सेकंड के बाद इसका जो क्या है, थोड़ा ग्राफ गंदा हो गया, इसको एक ग्राफ हम दूसरा लेते हैं, दूसरा कंसीडर करते हैं, ग्राफ थोड़ा अच्छा से नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो देखो क्या करना है हमको, थोड़ा देखो करना क्या है, ओके, समझो इसको थोड़ा अच्छा से, ठीक है। इधर ले लो तुम क्या, इधर ले लो डिस्टेंस को, इधर ले लो टाइम को, ओके। इनफॉर्म स्पीड के मतलब हम समझ रहे हैं, समझ गए, एक बार समझ ले वो, उसके बाद क्वेश्चन तो यूं ही लिख सकते हो, ठीक है।
देखो क्या है, टाइम बराबर 0 सेकेंड, ओके, टाइम बराबर 0 सेकेंड, उस समय क्या होगा, उसका डिस्टेंस भी क्या है, 0 है, ठीक है, लेकिन टाइम बराबर 5 सेकेंड, मान लो 5 सेकेंड के बाद, ठीक है, 5 सेकेंड के बाद उसका डिस्टेंस मान लो 10 मीटर कवर किया, कितना, 10 मीटर। उसके बाद अब तुम समझो नेक्स्ट 5 सेकेंड में, थोड़ा ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश कीजिएगा, टाइम बराबर 10 सेकेंड के बाद, अब समझ लो 10 सेकेंड के बाद वो डिस्टेंस किया 20 मीटर, ठीक है, तो देख रहे हो ये दोनों के बीच में टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड का, और कितना ये डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से समझना थोड़ा, यहाँ से क्या हो जाएगा, स्पीड, स्पीड बराबर कितना हो जाएगा इसका, समझो 10/5, इस केस में कितना हो जाएगा, 10/5, तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड होगा ना, उसी तरह इस बीच में तुम समझो कि कितना होगा, ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, इस पॉइंट के बीच में 10 मीटर का किया गया है ना, 10 मीटर का डिस्टेंस, और 10 मीटर किया गया, टाइम भी कितना लगा है, टाइम इंटरवल कितना है, 10-5 करो, 10-5 कितना हो जाएगा, 10-5 2 मीटर पर सेकेंड होगा ना, 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसका क्या हो रहा है, हमेशा उसका स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तीन फॉर्म, एक कब पॉसिबल है, जब कोई भी गाड़ी अथवा कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा तभी होगा ये पॉसिबल, ठीक है, इनफॉर्म मोशन। अब पूछेगा सर्कुलर में, अरे भाई सर्कुलर में भी पॉसिबल है इनफॉर्म मोशन, ठीक है। अब 55वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम द स्पेस शिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन द 5 मिनट, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेस शिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बोल रहा है कि एक सिग्नल, ए सिग्नल फ्रॉम द स्पेस शिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट, 5 मिनट में आ रहा है भाई, ये कोई सिग्नल है जो ग्राउंड पे आने में उसको 5 मिनट लग रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा स्पेस शिप से ग्राउंड पे आने में, निकालना है इसी चीज़ को, ओके। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 5 मिनट उसको लग रहा है, क्या चाहिए, स्पेस शिप का सिग्नल आने में 5 मिनट उसका टाइम लग रहा है, ठीक है, इसको सेकंड में तुम कन्वर्ट कर लो, टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 60, ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना सेकंड, ओके, और डिस्ट कितना स्पीड से कितना, जब भी कोई भी सिग्नल हो, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसका स्पीड लाइट के स्पीड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ठीक है, तो इसका कितना स्पीड होगा, 3 × 10⁸। अब करा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जब भी तुमको स्पीड और टाइम दिखे आपके दिमाग में आना चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸, और टाइम कितना हो गया, 5 × 10⁵, 5 × 60, ठीक है, इसको कर लो 6×5=300, 900 × 10⁸, और कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है, पूछो क्यों, क्योंकि स्पीड क्या चीज़ में मेजर कर रहे हैं हम लोग, मीटर पर सेकेंड में, ये वेलोसिटी जो भी बोलो, वेलोसिटी अथवा स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड मीटर पर सेकेंड में है, और टाइम क्या है, सेकेंड में, तो सेकेंड सेकेंड कट गया, मीटर में आ गया, इसको और तुम लिखना चाहो तो क्या है, 2 जीरो को उधर कर दो, 9 × 10⁻¹⁰ मीटर, ये 2 जीरो क्या होगा, इसमें जाके ऐड हो जाएगा इसके पावर में, ओके। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।